नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में और पाठशाला रेलवे एग्जाम में। रोज की तरह आज भी आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूं। आज के करंट अफेयर्स में काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज हैं, कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार के बारे में जानकारी है, तो प्लीज करंट अफेयर्स को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और शेयर करना तो कतई मत भूलिएगा। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अभी हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा बैंक है और इसका जो स्ट्रक्चर है इसमें डायरेक्टर जनरल होता है, एक मेन डायरेक्टर होता है और चार मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। स्टेट बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर अभी हाल ही में रही थी अंशुला कांत, जो आपकी वर्ल्ड बैंक में CFO बन गई यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बन गई जाके, तो उसके बाद वो पद खाली हो गया था जिसके बाद श्री चेल्ला श्री निवासलू सेट्टी यानी कि CS सेट्टी को ये पद दिया गया था और अभी हाल ही में PK गुप्ता 31 मार्च को रिटायर हो गए थे तो एक पद खाली हो गया था, जिनकी जगह पर इनका अपॉइंटमेंट हुआ है और उनका नाम है, बिल्कुल तस्वीर आप देख सकते हैं, उनका नाम है अश्विनी भाटिया। अश्विनी भाटिया जी को अभी हाल ही में SBI का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। वे 31 मई 2022 तक इस पद पर कार्यरत रहेंगे। भाटिया वर्तमान समय में SBI म्यूचुअल फंड में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे थे। उन्हें PK गुप्ता के स्थान पर लाया गया है जिन्होंने 31 मार्च को सेवानिवृत्त लिया है यानी कि रिटायरमेंट लिया है। इससे पहले एक और अपॉइंटमेंट हुई थी, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि SBI में एक चेयरमैन होता है यानी कि मेन एक डायरेक्टर जनरल आप उसे कह सकते हैं, तो श्री रजनीश कुमार जो है वर्तमान समय में चेयरमैन है। PK गुप्ता का पद खाली हुआ था, अब अश्विनी भाटिया यहां पर आ जाएंगे। एक और मैनेजिंग डायरेक्टर है श्री दिनेश कुमार खारा, श्री अरजीत बासु और चेल्ला श्री निवासलू सेट्टी, जिनकी की अपॉइंटमेंट अंशुला कांत जी की जगह पर हुई थी। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं, ये है चेतन भगत। एक नई बुक इनकी आ गई है मार्केट में। चेतन भगत जो भी पुस्तकें लिखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, बिकॉज इनकी पुस्तकें चर्चा में होती हैं। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर करंट अफेयर्स में क्या पढ़ने लायक होता है, तो देखिए एक छोटा सा पैरामीटर, एक फंडा अपना लीजिए, जो चीज चर्चा में है, जिसके बारे में लोग बातचीत कर रहे हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाटएवर, वो सारा का सारा करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरीके की बातचीत हो रही है वो करंट अफेयर्स के फॉर्म में है, बिकॉज जब करंट अफेयर्स एग्जामिनर पूछता है तो वो ये नहीं सोचता है कि आपने पेपर को लाइन बाई लाइन रट्टा हमारा होगा, वो ये जानना चाहता है कि आप डेली न्यूज पेपर पढ़ते हैं, आप डेली बेसिस की जो करंट अफेयर्स हैं, जो भी चीजें घटनाएं घट रही हैं, आप उनसे अवेयर हैं कि नहीं। तो चेतन भगत की पुस्तकें जब भी मार्केट में आती हैं तो या तो इनके ऊपर कोई मूवी बन जाती है या फिर इनके बारे में चर्चा जरूर होती है। तो अभी हाल ही में चेतन भगत द्वारा एक पुस्तक लिखकर आई है, मतलब उन्होंने लिखी है, उसका नाम है वन अरेंज्ड मर्डर। इसका विमोचन 28 सितंबर 2020 को दुनिया भर में होगा। फिक्शन बुक एक अरेंज मैरिज की पृष्ठभूमि पर मर्डर मिस्ट्री के ऊपर आधारित है। पुस्तक वेस्टलैंड पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित की जाएगी। यह लेखक की नौवीं नॉवेल है, कुल मिलाकर 11वीं पुस्तक है। इससे पहले उनकी जो पुस्तक आई थी वो थी द गर्ल इन रूम 105, अच्छी पुस्तक है, मैंने पढ़ी ये भी। वन अरेंज मर्डर की पृष्ठभूमि में एक मर्डर मिस्ट्री बेस्ट सेलिंग लेखक चेतन भगत की आने वाली फिक्शन बुक सेंटर में उपलब्ध होगी। पुस्तक ना केवल गैन सस्पेंस है बल्कि हास्य प्रेम, और ये हमारे करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। चेतन भगत की पुस्तक है, पुस्तक का नाम देख लीजिए वन अरेंज मर्डर। और कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो इनकी है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये पुस्तक इनकी अभी आई थी हाल ही में, द गर्ल इन रूम 105, इंडिया पॉजिटिव नॉट नॉवेल, ये सिंपल जो है इंडिया के बर्निंग इशू पर इन्होंने किया था। इसके अलावा 5.1, चेतन भगत की हाफ गर्लफ्रेंड, चेतन भगत की वन नाइट एट कॉल सेंटर, चेतन भगत की रिवोल्यूशन 2020, चेतन भगत की 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, वन इंडिया गर्ल भी चेतन भगत की, एंड 2 स्टेट चेतन भगत की, मेकिंग इंडिया ऑसम एंड व्हाट इंडिया, व्हाट यंग इंडिया वॉन्ट्स, ये सारी की सारी पुस्तकें चेतन भगत की हैं। कहीं पर अगर मौका मिले तो या तो इस स्लाइड को कैप्चर करके रख लो या फिर कहीं पर नोट डाउन कर लो, इसको जरूर याद रखना कि चेतन भगत ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हुई है। इंडिया पॉजिटिव इनमें तो सबसे फेमस बुक है, मतलब सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाने वाली बुक है, पूछी जा सकने वाली बुक है, जिसका चांसेस है पूछा जाने का, इंडिया पॉजिटिव। इंडिया पॉजिटिव किसकी बुक है? चेतन भगत की। अगली जानकारी है जैक कॉलिस, जहीर अब्बास और लीशा स्थालकर को अभी हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ICC हॉल ऑफ फेम की बात करें तो पुराने जो दिग्गज खिलाड़ी हैं उनको सम्मान देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। देखा जाए तो इसमें अधिकतर जो खिलाड़ी हैं वो इंग्लैंड से हैं, और पहले जब इसकी स्थापना हुई थी तो 55 खिलाड़ियों के साथ इसकी शुरुआत की गई थी। एक हॉल है वहां पर बकायदा इसको शामिल किया जाता है, और बिशन सिंह बेदी भारत की तरफ से शामिल होने वाले, इसमें शामिल होने वाले पहले खिलाड़ी थे।
तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने रविवार को हॉल ऑफ फेम की लिस्ट में पुणे में जन्मी पूर्व ऑस्ट्रेलिया महिला कप्तान लिसा स्टालिकर, दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज ऑलराउंडर जैक कॉलिस, वन टाइम मैं बड़ा फैन था जैक कॉलिस का, बहुत बढ़िया लगते थे मुझे ये, अभी भी लगते हैं लेकिन जब खेलते थे तब ज्यादा अच्छे लगते थे, पाकिस्तान के महान बल्लेबाज जहीर अब्दास। मैं भी क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन रहा हूं लेकिन पता नहीं जैसे उम्र बढ़ती है तो धीरे धीरे चीजें गायब सी होने लगती हैं। क्रिकेट अब ना देखना अच्छा लगता है ना खेलना अच्छा लगता है, और कभी एक टाइम तो ऐसी दीवानगी हुआ करती थी कि खेलने के लिए चाहे धूप हो चाहे कुछ भी हो क्रिकेट खेल रहे होते थे। वैसे कैलिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले चौथे दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी हैं, अब्बास हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले छठे पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। स्टॉलिकर ऑस्ट्रेलिया की 27वीं और इस सूची में 9वीं महिला खिलाड़ी हैं जिसमें उनके देश की 5 महिलाएं शामिल हैं। अगली जानकारी है तुर्की के राष्ट्रपति तैयप एर्दोगेन। भाई साहब मतलब इनके जैसा आदमी मैंने देखा नहीं है वैश्विक राजनीति में, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं बहुत मतलब एक आदमी होता है थोड़ा बहुत फेंकता है लंबा लंबा फेंकता है। इन्होंने बताया था कि इनको जो गैस का भंडार मिला है वो बहुत बड़ा है लेकिन अभी अब जांच काला सागर में जो गैस का भंडार मिला वो इतना बड़ा नहीं है। इन्होंने कहा था 2 दशक तक आराम से हम काम चलाएंगे लेकिन गैस भंडार से मिलने से रूस को थोड़ी चिंता हुई। अब कहोगे तुर्की को गैस भंडार मिलने से रूस को चिंता क्यों हुई? देखिए इस वजह से क्योंकि तुर्की एक बहुत बड़ा देश है मतलब कि जो गैस खरीदता है अपने काम को चलाने के लिए और रूस से वो सबसे ज्यादा मात्रा में गैस खरीदता है। ऐसे में अगर उसको खुद का गैस मिल जाएगा खुद का गैस भंडार मिल जाएगा तो वो खरीदेगा क्यों? तो ये रूस की चिंता हो सकती है। तो फिलहाल तुर्की के राष्ट्रपति जी ने घोषणा की कि काला सागर यानी कि ब्लैक सी में अब तक के सबसे प्राकृतिक बड़े गैस भंडार की खोज की गई है। उन्होंने कहा कि गैस भंडार बहुत बड़ा है लेकिन बाद में पता चला वो इतना बड़ा नहीं है। तुर्की के राष्ट्रपति के अनुसार काला सागर में फतेह नहीं होना चाहिए यहां पर फेथ होना चाहिए। फेथ नामक एक ड्रिलिंग जहाज था द्वारा खोजा गया यह गैस भंडार 320 अरब क्यूबिक मीटर का है और तुर्की द्वारा वर्ष 2023 अभी इसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, ये उनके डेटा के मुताबिक है, अभी ये पता नहीं चल पाया क्योंकि 2 परतें अभी और हैं तो इस डेटा को आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ इतना याद करने की जरूरत है कि तुर्की को अभी हाल ही में एक गैस भंडार मिला, अभी थोड़े दिन पहले मिस्र को भी मिला था 850 अरब का। तो तुर्की द्वारा 2023 तक इस गैस भंडार से गैस निकालने का काम शुरू कर लिया जाएगा। तुर्की द्वारा खोजा गया गैस भंडार तुर्की के तट से लगभग 100 नॉटिकल मील उत्तर में काला सागर में स्थित है। तुर्की के ऊर्जा मंत्री के अनुसार गैस का यह भंडार पानी की सतह से 2100 मीटर की गहराई में है और इस भंडार से गैस निकालने के लिए 1400 मीटर तक ड्रिलिंग की जाएगी। इसके अलावा तुर्की में अभी एक और काम चल रहा है, भाई आपको पता होगा कि जो इजराइल है और यूएई उन्होंने अपने हाथ में ला लिए हैं, काफी सालों की जो दुश्मनी है उसको भुलाकर गले मिल गए हैं। ये तुर्की को कतई बर्दाश्त नहीं हो रहा, तुर्की को बर्दाश्त इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जमीन का थोड़ा सा विवाद है और तुर्की नहीं चाहता कि इजराइल किसी भी तरीके से किसी भी अरब कंट्री के साथ दोस्ती बढ़ाए और इसी वजह से वहां पर क्या किया जा रहा है, एक तरह का इस्लामीकरण किया जा रहा है, चर्च को मस्जिदों में बदला जा रहा है, संग्रहालयों को मस्जिद में बदला जा रहा है। दो घटनाएं अभी हाल ही में देखने को मिली कि हागिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में बदलने के निर्णय के लगभग 1 महीने बाद 21 अगस्त को तुर्की के राष्ट्रपति रेशप तैयप एर्दोगेन ने इस्तांबुल स्थित एक चोरा चर्च को भी मस्जिद में बदलने का आदेश दिया है। तो चोरा चर्च कहां स्थित है, जो अभी चर्चा में था तो बड़ा चा 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 हो गया, तो चोरा चर्च जो अभी हाल ही में चर्चा में था ये आपका तुर्की में है और इसको चर्चा में क्यों था, क्योंकि इसको मस्जिद में बदलने का आदेश दे दिया है तैयप एर्दोगेन ने। तुर्की की बात छिड़ी है तो तुर्की यूरेशिया में स्थित एक देश है, काला सागर के किनारे आपको यह देखने को मिल जाएगा, नीचे आपको सीरिया यहां पर देखने को मिल जाएगा और इसकी जो मेन भाषा है वो टर्किश है। यह अकेला मुस्लिम बहुमत वाला देश है जो कि धर्मनिरपेक्ष है, अभी तक धर्मनिरपेक्ष था आपको यह कह सकते हो, अब थोड़ा थोड़ा यहां परिवर्तन हो रहा है। लीरा जो है टर्किश लीरा मुद्रा है, राजधानी अंकारा है, राष्ट्रपति वर्तमान समय में आपके हैं तैयप एर्दोगेन। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं, केरल में पहली बार एक महोत्सव आयोजित किया जा रहा है जिसे ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल कहा जा रहा है और इसका नाम है थंबी महोत्सवम। इसे वर्ल्ड वाइड एंड फॉर नेचर इंडिया की राज्य इकाई द्वारा सोसाइटी फॉर ओडोनेट स्टडीज तथा थुम्बी पूर्णम के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। इसका जो आधिकारिक शुभंकर है वो पंटालू है, पंटालू एक तरह की आपने ये देखा होगा ये पंटालू है, मतलब मैं बता नहीं पा रहा हूं कि ये कौन सा कीड़ा होता है, एक तरह का टिड्डे जैसा होता है, थोड़ा सा इसके पंख निकले होते हैं, 4 पंख होते हैं इसके। तो इसका आरंभ जो है ये 2018 में किया गया था ताकि इसके बारे में जागरूकता फैलाई जाए। इसका उद्देश्य ये है
कि ड्रैगन फ्लाई यानी कि जो छोटे मोटे कीट होते हैं, जो जिस तरह से सफाई कर्मचारी के रूप में हमारे साथ काम करते हैं, हमारी पर्यावरण के लिए काम करते हैं, तो इनके महत्व के बारे में लोगों को बताया जाए। तो अभी हाल ही में केरल में मनाया जा रहा है थुम्बी पुरनम उत्सव। केरल की बात करें तो केरल की हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा जी को अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने सम्मानित किया था बिकॉज ऑफ कोविड 19 के दौरान उन्होंने बहुत अच्छे से केरल के अंदर, क्योंकि केरल पहला ऐसा राज्य था जहां कोविड 19 का केस पाया गया था और बहुत तेजी से इंक्रीमेंट भी हुआ था। केरल पहला स्टेट है जिसने NTCAA अमेंडमेंट यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी कि नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया था। केरेरा नाम से एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई है उन्होंने रियल एस्टेट के लिए, ताकि जो ट्रांसपेरेंसी है यानी कि पारदर्शिता लाई जा सके रियल एस्टेट सेक्टर में। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस सर्वे 2015-20 के मुताबिक 3 विश्व के सबसे तेजी से बढ़ने वाले सिटी हैं, यानी कि उनका शहरीकरण जो है वो बहुत तेजी से हो रहा है, जिसमें केरल का मल्लापुरम जो है ये टॉप पर आया था। हिंदू ग्रुप के चेयरमैन एन राम और जर्नलिस्ट, इनको अभी हाल ही में केरला नेशनल मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और 22वां एडिशन इंटरनेशनल सी फूड, इंडिया इंटरनेशनल सी फूड का आपको देखने को मिला था कोची केरला में। इसकी जो थीम रही ब्लू रिवोल्यूशन यानी नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध मछली से संबंधित होता है, जल से संबंधित होता है। बियॉन्ड प्रोडक्शन टू वैल्यू एडिशन। केरल के बजट में हाल ही में 1000 कुदुमश्री होटल खोलने की योजना की बात की गई है, जिसमें 25 रुपए में खाना दिया जा रहा है और इस तरह के होटलों में जाकर लोग खाना खा सकेंगे, 25 रुपए में खाना दिया जाएगा। और ऐसा ही एक योजना अभी हाल ही में इंदिरा रसोई योजना शुरू की है राजस्थान सरकार ने, वो तो 8 रुपए में ही खाना दे रहे हैं, मतलब 20 रुपए की उनकी थाली है, 12 रुपए सरकार देगी, 8 रुपए जो खाना खाना चाहता है वो देगा। बढ़िया बढ़िया योजना है, मुझे भी अच्छा लगता है कि यार कम से कम जो गरीब लोग हैं वो कम से कम सस्ते मतलब कम पैसे में खाना तो खा सकते हैं। वैसे हमारे कानपुर में भी बिना किसी योजना के आप 20-25 रुपए में अच्छा खाना खा सकते हैं, कई सारे ऐसे होटल हैं जो बढ़िया खाना आपको खिला देंगे 20-25 रुपए में, बिकॉज वो उन्हीं के लिए ही काम करते हैं। ठीक है, चलिए। केरला सीएम ने अभी हाल ही में योधावु नाम का एक ऐप लॉन्च किया था, ताकि जो ड्रग बेचने वाले हैं यानी कि जो तस्करी करते हैं ना, ये सब चरस गांजा वगैरह बेचते हैं, उनको पकड़ा जा सके। सीनियर आईएएस ऑफिसर विश्वास मेहता को अभी हाल ही में न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ केरला बनाया गया है। चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन है, माकपा से बिलोंग करते हैं। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है, कैपिटल सिटी तिरुवनंतपुरम है, और इस साल अगर कोई गवर्नर सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है तो वो आरिफ मोहम्मद खान, इस वजह से क्योंकि केरला की जो विधानसभा थी वो पास कर रही थी, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, प्रस्ताव पारित कर रही थी NTCA का, लेकिन आरिफ मोहम्मद खान उसका विरोध कर रहे थे, तो बहुत ज्यादा ये चर्चा में रहे हैं। तो अगर कहीं पर अगर गवर्नर पूछा जाने लायक है इस साल किसी एग्जाम का, तो वो आरिफ मोहम्मद खान है। स्टेट एनिमल इंडियन एलिफेंट है और ग्रेट हॉर्निबल स्टेट बर्ड है। इंडियन एलिफेंट अगेन हो गया, स्टेट फ्लावर गोल्डन सॉवर ट्री है। केरला में 20 लोकसभा सीटें हैं, 9 राज्यसभा सीटें हैं और स्टेट ट्री कोकोनट यानी कि नारियल का पेड़ है। इसके अलावा अगर साक्षरता की बात करें, आप स्कूल एजुकेशन इंडेक्स की बात करें या फिर आप हेल्थ इंडेक्स की बात करें, नीति आयोग द्वारा जो जारी किए जाते हैं उनमें केरला हमेशा टॉप पर रहता है, इस बार भी टॉप पर था। इसी स्लाइड को हिंदी में पढ़ सकते हो। अगली जानकारी है, एक कमेटी अभी दिखाई दी, नीति आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी रमेश चंद के। उन्होंने बताया कि गन्ना किसानों की अगर आप हालत सुधारना चाहते हो, आप बहुत देखोगे तो जो लोग संबंधित हैं इसे वो जानते होंगे कि बहुत समय तक चीनी मिलें जो है भुगतान नहीं करती हैं, भुगतान करती भी हैं तो उनको किस्तों में कर देती हैं, जिसकी वजह से जो गन्ना उगाने वाले किसान हैं उनकी हालत जो है वो बड़ी दयनीय है। लेकिन जब बात को और अंदर तक ले जाया गया तो पता चलता है कि चीनी मिलों की भी हालत खराब है, उनको भी सरकार की तरफ से भुगतान सही समय पर नहीं मिलता, जो भुगतान उन्हें मिल रहा है वो बहुत कम है। तो इन सभी उपायों को लेने के लिए या क्या किया जाए, इसके लिए एक अभी गठित की गई थी रमेश चंद की अगुवाई में एक कमेटी। उन्होंने कहा कि एक काम करो, पहली बात तो चीनी की कीमत 33 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ाओ। इससे क्या होगा, चीनी कंपनियों के पास पैसा आएगा, 4500 करोड़ रुपए उनके पास आएंगे, जिसको वो आगे ले जा पाएंगे। दूसरा, और मार्च 2020 में इसको अंतिम रूप दिया गया है, 20 अगस्त 2020 को प्रकाशित किया गया। कार्यदल ने यह भी सुझाव दिया है कि जो प्रोत्साहन राशि है कम पानी वाली फसलों के लिए, सघन फसलों के लिए, उसके लिए 6000 रुपए उन्हें देना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने यह भी कहा कि 50 रुपए जो है वो चीनी का जब कमर्शलाइजेशन होता है 50 रुपए का टैक्स इंप्लीमेंट करिए, इसके जरिए भी काफी सारा पैसा आएगा जिससे काम हो पाएगा। तो गन्ना किसानों का जो समर्थन मूल्य है उसका हर 6 महीने में, नहीं सॉरी, साल में 2 बार उसका रिव्यू करना चाहिए कि गन्ना जो किसान है समर्थन मूल्य इस टाइम कितने का बिकना चाहिए, तो उसको 2 बार, जब साल में 1 बार होता है तो उसको 2 बार करने के लिए उन्होंने बात की है।
तो हाल फिलहाल ये जो कमेटी है ये किसकी अगुवाई में, रमेश चंद की, नीति आयोग की कमेटी है। नीति आयोग यू डोंट नो थिंक टैंक ऑफ इंडिया, अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होता है, उपाध्यक्ष आपके राजीव कुमार जी हैं और सीईओ हैं अमिताभ कांत। अगली जानकारी की तरफ चलें तो एक और जानकारी है योजना से संबंधित है, कामगारों को राहत के लिए अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, इसमें थोड़े परिवर्तन किए गए हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की अटल बीमित कल्याण योजना में कुछ भुगतान में वृद्धि की गई है। इस योजना के अंतर्गत जो परिवर्तन, पहली बात तो आपको यह बता दूं कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना है क्या। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना यह है कि ESIC यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा जो निगम है उसमें जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, अगर आप बेरोजगार हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन अपने जिले के कर्मचारी राज्य बीमा निगम के ऑफिस में जरूर करा लें। उससे होता यह है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और बेरोजगारी पर आपको एक बीमा प्राप्त होने लगता है कि अगर बाई चांस आपकी जॉब काफी समय तक ना मिली, आपको रोजगार काफी समय तक ना मिला, तो आप बेरोजगारी पत्ता पाने के अधिकारी हो जाते हैं। साथ साथ कोई भी ऐसी योजना आती है जो बेरोजगारों के लिए होती है तो डेटा जो उठाया जाता है वो भी इसी ऑफिस से उठाया जाता है, तो यहां पर रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी है। अब पॉइंट है कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना क्या है, कि इस योजना के अंतर्गत बेरोजगार व्यक्तियों को कवर किया गया था। और पहले क्या होता था कि अधिकतम अगर 90 दिनों की बेरोजगारी होती थी तो औसतन जो मजदूरी होती थी उसका 25% दे दिया जाता था, बिना काम किए 25% बेरोजगारी भत्ते के रूप में मिल जाता था। लेकिन अब कितना मिलेगा, अब 50% मिलेगा। राहत लाभ क्या होता था, पहले 90 दिन आपको बेरोजगारी दिखानी पड़ती थी, 90 दिन बेरोजगार हो गए तभी बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। अब क्या करेगा, अब ये 30 दिनों के अंदर ही आपको प्राप्त होने लगेगा। तो दो बड़े यहां पर बदलाव देखने को मिले। अब क्या होगा, बीमित व्यक्ति सीधे ESI शाखा कार्यालय में अपना दावा जमा करा सकता है। बीमित व्यक्ति को उसको बेरोजगारी के पूर्व कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक किसी ऐसे रोजगार में संलग्न होना चाहिए जहां पर आपका PF कट रहा हो। क्या कट रहा हो, PF प्रोविडेंट फंड कट रहा हो। ये इस योजना की पहली शर्त थी। बेरोजगारी से ठीक पहले कुल योगदान अवधि में कम से कम 78 दिनों तक का योगदान भी आवश्यक है, यानी कि कम से कम अपने 78 दिनों तक काम किया हो। तो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना में ये थोड़े से परिवर्तन आए हैं। अगली जानकारी है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी बेहद विशालकाय नदी है और यह उत्तर से ऊपर से भारत की सबसे लंबी रोपवे सर्विस शुरू होने वाली है। यह असम गुवाहाटी में शुरू होगी। रोपवे सर्विस यह होती है कि आप नदी को पार करना चाहते हैं तो रोपवे यानी कि एक रस्सी जैसा या वायर जैसा एक लिंक डेवलप कर दिया जाता है, उस पर वैगन लगे होते हैं जिससे आप ऐसा लगेगा आप हवा में उड़ते हुए जा रहे हो। आई थिंक यू नो रोपवे, कि मैं और ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा इसे। राज्य के लोगों को सोमवार को कैबिनेट मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने इसे राज्य के लोगों को सौंप देंगे और रोपवे सर्विस पर निगरानी रखने के लिए कुल 58 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। ढुलाली करने वाले इस वाहन की उमनादा बर्ड आई व्यूज नजर रखा जाएगा और कामाख्या मंदिर का ग्रह, नीलांचल हिल और सराय घाट ब्रिज समेत कई अन्य आसपास की जगह इसका आकर्षण का केंद्र हाल फिलहाल रहेंगे। तो देश की सबसे बड़ी रोपवे सर्विस कहां शुरू हुई है, असम के गुवाहाटी में। अब चूंकि ब्रह्मपुत्र नदी की बात छिड़ी है, असम की बात कर ले तो असम के मुख्यमंत्री वर्तमान समय में सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल जो है वो जगदीश मुखी है। असम की राजधानी गुवाहाटी है और अभी हाल ही में हमने यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम देखे थे, ठीक है, यूनिवर्सिटी गेम आपके उड़ीसा भुवनेश्वर में हुए थे, तीसरा एडिशन हमको यहाँ देखने को मिला था। ब्रह्मपुत्र एक नदी है, ये तिब्बत भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के पास है। इसे यरलुंग चंगपो कहा जाता है। तिब्बत में बहते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है जहां से इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाने लगता है। इसकी एक सबसे बड़ी सहायक नदी है लोहित नदी। लोहित नदी पर एक पुल बना हुआ है, भूपेन हजारिका सेतु, जिसे ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस पुल की पूरी लंबाई 9.1 किलोमीटर है और यह भारत का सबसे बड़ा पुल है, 9.1 किलोमीटर। अब यहां पर एक कंफ्यूजन बनता है, उस दिन मैंने महात्मा गांधी सेतु के बारे में बताया था तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर भारत का सबसे बड़ा पुल तो भूपेन हजारिका सेतु है। करेक्ट, लेकिन उस दिन आपने शायद मेरे शब्दों को ध्यान नहीं दिया था। मैंने कहा था भारत का सबसे बड़ा एक ही नदी पर बना पुल महात्मा गांधी सेतु है, जो 5 किलोमीटर लंबा है अप्रोक्सीमेटली। भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सदिया पुल ये भारत का सबसे लंबा पुल है, बट ये लोहित नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, यानी कि ये दो नदियों पर बना हुआ पुल है। एक ही नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा पुल महात्मा गांधी सेतु है, याद रखिए, वो बिहार में है। फिलहाल इसका स्रोत हिमालय है और ये गुवाहाटी में बहती है और फिर आगे चलकर ये भी गंगा में मिल जाती है। अगली जानकारी की तरफ चलें तो तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार की घोषणा की गई है। तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार 4 श्रेणियों में दिए जाते हैं। कुछ लोग जो एयर एडवेंचर करते हैं, कुछ लोग जो लैंड एडवेंचर करते हैं यानी पर्वतारोहण करते हैं, कुछ लोग जल साहस करते हैं, जल में साहस का मतलब स्विमिंग करते हैं,
और जीवन भर की उपलब्धि के लिए सम्मान यानी लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। तो दो कैटेगरी इसकी इंपॉर्टेंट होती है, फॉर एयर एडवेंचर एंड फॉर लैंड एडवेंचर। तो इस बार एयर एडवेंचर के लिए ये विंग कमांडर गजानंद यादव को एयर एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार दिया गया है और ये देश का सबसे बड़ा साहसिक पुरस्कार है जो खेलों के प्रति दिया जाता है। गजानंद यादव पैराशूट जंप प्रशिक्षक हैं, वो IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स की स्काई डाइविंग टीम आकाश गंगा के सदस्य भी हैं। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों को साहसिक खेलों के लिए भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार माना जाता है और यह राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। तेंजिंग नोर्गे कौन थे? हे भगवान, आपको तेंजिंग नोर्गे नहीं पता भाई? ये आदमी वो था जिसने सबसे पहले एवरेस्ट फतेह की थी एडमंड हिलेरी के साथ। नेपाल के थे तेंजिंग नोर्गे, एक नेपाली पर्वतारोही थे जिन्होंने एवरेस्ट और केदारनाथ के प्रथम मानव चढ़ाई के लिए जाना जाता है। इसके अलावा पर्वतारोही के लिए इस बार यह पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर नरेंद्र सिंह को। गुरुग्राम के मानेसर में रहने वाले डॉक्टर नरेंद्र सिंह का चयन तेंजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड के लिए किया गया है। पर्वतारोहण में इनकी उपलब्धियों को देखते हुए चयन समिति ने इनके नाम का चयन किया था। तो याद रखिएगा, गजानंद यादव को यह अवार्ड दिया गया है फॉर एयर एडवेंचर एंड फॉर लैंड एडवेंचर, यह पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर नरेंद्र सिंह को। अगली जानकारी की तरफ चले तो अभी हाल ही में 22 अगस्त को धर्म और विश्वास के आधार पर हिंसा के पीड़ितों के स्मरण में हमने अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। इस दिन की स्थापना धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा बढ़ते मामलों के एक सीधी प्रतिक्रिया को दर्शाने के लिए की गई है। तो 22 अगस्त को हम मनाते हैं धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के पीड़ितों के लिए दिवस, और संयुक्त राष्ट्र द्वारा 23 अगस्त को दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। यह उन पुरुषों और महिलाओं की स्मृति को सम्मानित करता है जिन्होंने 1791 में सेंट डोमिंगो में विद्रोह किया और गुलामी और अमानवीकरण के अंत का मार्ग प्रशस्त किया था। तो यह था आपका हमारा न्यूज फटाफट। अब बारी है आज की वन लाइनर की। भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? पीके गुप्ता की जगह ली है अश्वनी भाटिया ने। किस देश ने काला सागर तट के साथ एक बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है? तुर्की। और वन अरेन मर्डर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? चेतन भगत। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में हॉल ऑफ फेम की लिस्ट में किस ऑस्ट्रेलिया महिला को शामिल किया है? उनका नाम है लिसा स्टालिकर, उसके अलावा जैक कॉलिस एंड जहीर अब्बास। ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल 2020 का आधिकारिक शुभंकर क्या है? पंटालू, और ये केरल में मनाया जा रहा है। नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद जी की अगुवाई में अभी हाल ही में कीमतों को चीनी यानी कि गन्ने की जो कीमतें हैं उसको चीनी की दरों से जोड़ने की बात की है। जिस तरह से चीनी की कीमत बढ़ेगी तो गन्ने की कीमत भी बढ़नी चाहिए, चीनी की कीमतें घटे तो गन्ने की कीमत भी घटनी चाहिए। साथ साथ उन्होंने कह दिया कि चीनी को कितना महंगा कर दो, कम से कम 33 रुपया प्रति किलो तो महंगा करो। किस नदी के ऊपर भारत की सबसे लंबी रोपवे सर्विस शुरू हुई है? ब्रह्मपुत्र, असम के गुवाहाटी में। और विंग कमांडर गजानंद यादव ने एयर एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नोर्गे का राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार जीत लिया है। राहत लाभ 90 दिनों के लिए बेरोजगारी के बाद देय होने के स्थान पर अब कितने दिनों में मिलने लगेगा? अब यह अटल बीमित व्यक्ति योजना के अंतर्गत 30 दिन में प्राप्त होने लगेगा। हर साल दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को। और प्रत्येक वर्ष किस दिन धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के पीड़ितों के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? 22 अगस्त को। अब बारी है आज के हमारे क्विज की, फटाफट करते हैं। किस देश ने काला सागर तट पर के साथ एक बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है? तो वो है टर्की। भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है अश्वनी भाटिया। और वन अरेन मर्डर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है चेतन भगत द्वारा। और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हॉल ऑफ फेम में किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर को शामिल किया है? महिला क्रिकेटर, उनका नाम है लिसा स्टालिकर। और ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल 2020 का आधिकारिक शुभंकर क्या है? पंटालू। कहां मनाया जा रहा है? ये आपका केरल में मनाया जा रहा है। नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद की अगुवाई में वाले कार्यदल ने गन्ने की कीमतों को चीनी दर से जोड़ने की सिफारिश की है, उनका नाम रमेश चंद हो गया। और किस नदी के ऊपर भारत की सबसे लंबी रोपवे सर्विस शुरू की गई है? तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी। विंग कमांडर गजानंद यादव जी को अभी हाल ही में तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 29 अगस्त को खेल दिवस के दिन ये पुरस्कार दिए जाते हैं। राहत लाभ 90 दिनों की बेरोजगारी के बाद अब कितने दिनों की बेरोजगारी के बाद भत्ता प्राप्त कर सकते हैं? 30 दिनों के बाद आप ये भत्ता प्राप्त कर पाएंगे। और हर साल दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को। जबकि कि धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा से पीड़ितों के लिए स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 22 अगस्त को मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, फटाफट से हमने कंप्लीट कर लिया, आपको जरा भी बोझिलता महसूस नहीं हुई। तो आज के लिए इतना ही रखता हूं, थैंक यू सो मच, बाय बाय।